करूं, कहां से शुरू करूं? दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या होगा? क्या करने का सोच रहा है चंकी बेटा? तस्वीर बना रहा हूं। ऐसा लग तो नहीं रहा। मेरा मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तू ये बकवास छोड़कर सीधे बनाना शुरू क्यों नहीं करता? ये भाजी खरीदने जितना आसान नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि तुम्हें खाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। कभी सब्जी खरीदी है क्या तुमने? अब चुपचाप ये बक्से नीचे रखने में मेरी मदद करो, निकम्मे। ओ दादी, प्राचीन इतिहास है। ओहो, मैं हूँ टप्पू, मैं धरती के रखवाले में से एक हूँ, मैं हर बाजी जीतता हूँ। हुई माँ, बढ़िया। ऐसे घटिया टप्पू मुझे नहीं पसंद। बहुत शॉपिंग की होगी। मैं हर वक्त शॉपिंग नहीं करती। हाँ पता है। फिर क्या खरीदा वहाँ से? देखो, तुम शॉपिंग की बातें ना ही करो तो अच्छा होगा। इसके बस की बात नहीं। पहले तो मैं टीना बाजार जाकर जन्मदिन की शॉपिंग करूँगी। जन्मदिन? हाँ दोस्तों, मैंने बताया नहीं, कल मेरा जन्मदिन है। का हो कैसन बा? और बंकी, हमारी वो छोटी सी बच्ची याद है ना? कौन सी? रात में बाहर घूमने वाली बात? नहीं, वो वाली नहीं। अच्छा, मेरे दोस्तों से पहचान कराने वाली बात? वो वाली भी नहीं। वो वाली जिसमें तुमने कहा था कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और भोजपुरी सिनेमा बहुत देखता हूँ, तो आप अंदाजा लगाओ मुझे तुम्हारे कमरे में क्या मिला होगा। तुम्हारा छुपाया भोजपुरी सिनेमा के कैसे? तुम मेरे कमरे में कैसे गए? वो बात भगाओ, तुम भी भोजपुरी सिनेमा देखती हो, बोलो। अच्छा, अब समझी मैं तुम दिन में घर पर बैठ कर क्या कहती हो। भोजपुरी सिनेमा देखती हो? नटखट, मुझे भी देखना है। ये मेरे नहीं है, ठीक है? ये तुम्हारे जन्मदिन के लिए है। अब पता चल गया है तुम्हें तो रख ही दो। गजब, अभी चंकी को फोन करता हूँ। हाँ, मेरा छोटा भाई भी ना। दरोगा बाबू, चलिए चंकी। हाँ, मैंने चार बार देखी है ये। ये मुझे बहुत पसंद है। ओह, ये दरोगा के टोले शोले पे देखा। हाँ, चंकी फोन उठा। चली 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 लो चली। अब पता चला मोहल्ले में पानी क्यों नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा। डब्बे, तूने मेरी छत काट दी। तू जानता नहीं सारा
मुझे पहले से पता है कि तुम ये फायर ब्रिगेड वाले कपड़े पहनकर सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। हाँ, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। चुप कर, मुझे पहले से पता है तुम ही हो जो शहर में दबंग बनकर घूमते रहते हो। दादी, आप मुझसे नाराज हो? हाँ, नाराज हूँ। कितनी देर से मुझे खाना नहीं मिला है। मुझे लगता है शायद वो आदमी खाना चुरा कर भाग रहा है। जाओ, जाकर पता करो। पता नहीं, लेकिन मैं पता लगा कर ही रहूंगा। हमें इस तरह की कमाल की चीजों का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, मेरे जन्मदिन के लिए। मैं बेवकूफ दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। अब पता लगाऊंगा घर में कौन कौन भोजपुरी सिनेमा देखता है। कुछ सोचो, तुम्हारी ब्लैक बिना बालों की कैसे लगेगी।
ही है, अपने माता पिता से मिलने गया है। पर मुझे तो लगा उसके माता पिता, हमें लगता है हमें बाद में आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यही रुको और पहले मेरी बात सुनो। दरअसल कल उसका जन्मदिन था और ये बात तुम सब भूल गए थे। उसका जन्मदिन भूल गए तो हमें छोड़कर चला जाएगा क्या? चुप करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे उन शक्तियों के बारे में पता है जो तुम्हारे पास है। शक्तियाँ? मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे पता है, जोकर वाले कपड़े पहनकर तुम इस शहर में उल्टे सीधे करतब दिखाते रहते हो, समझे बच्चों? पर घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा राज राज ही रहेगा। हमें तुम्हारी जरूरत है, ये शहर अजीबोगरीब होते जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, वो खिलौना कोई आम खिलौना नहीं था, वो उसे उसके जन्मदिन पर मिला था। पर वो उसका अपने माता पिता के साथ आखिरी जन्मदिन था। वो उसका केक काटकर मिशन पर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। मुझे उन दोनों पर बहुत गर्व है। बेचारा चंकी बेटा, उसे कभी अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला। उसके बाद वो खिलौना उस बक्से में चला गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। पर अब वो आजाद है। लगता है चंकी ने अपनी उंगली काट ली। हाँ, और उसका खून इस टप्पू के खिलौने में गिर गया होगा, जिसके चलते टप्पू में जान आ गई होगी और ये खतरनाक हो चुका है।